नमस्कार, झारखंड के संथाल प्रगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं, उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। झारखंड बोर्ड ने सिलेबस में की 25% की कटौती, 9वीं से 12वीं वालों को देने होंगे सिर्फ 2 पेपर। झारखंड बोर्ड ने पिछले साल की तरह इस साल भी सरकारी स्कूलों में 1ली से 12वीं कक्षा तक के सिलेबस में कटौती करने को कहा है। बोर्ड ने यह फैसला कोरोना के प्रभाव में स्कूल के बंद रहने के कारण किया है। जैक बोर्ड ने 25% सिलेबस कम करने को कहा है, जिससे बाद अब सिर्फ 75% पाठ से ही प्रश्न पूछा जाएगा। यह फैसला झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने लिया है। 3 साल में होगा 10,000 करोड़ का निवेश। दिल्ली के ताज होटल में आयोजित झारखंड इन्वेस्टर मीट के दूसरे दिन झारखंड सरकार और कई कंपनियों के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्ट पॉलिसी पर लॉन्च किया है। डालमिया भारत ग्रुप झारखंड में 758 करोड़ का करेगा निवेश। सेल 3 वर्षों में 4,000 करोड़ का करेगा निवेश। वहीं टाटा स्टील ने भी 300 करोड़ के निवेश पर सहमति जताई है। झारखंड हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करना दुर्भाग्यपूर्ण। गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं किए जाने पर झारखंड हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि सरकार की ओर से इस पर अभी तक निर्णय लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। अदालत ने सरकार को 10 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ अदालत में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस SK द्विदी अदालत ने यह निर्देश दिया। इस संबंध में ओम कपूर ने अवमानना याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि झारखंड सरकार को नियोजन नीति को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सरकार ने अनुसूचित जिलों में तृतीय और चतुर्वर्गीय पदों के सारे पद उसी जिलों के लिए आरक्षित कर दिए थे। रांची में घूमने के बहाने ले जाकर 7 दोस्तों ने नाबालिग के साथ किया गैंग रेप, 4 हुए गिरफ्तार। झारखंड की राजधानी रांची के मांडर में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पीड़िता अपने दोस्तों के झांसे में आकर घूमने गई थी, जहां उसके साथ उसके दोस्त और अन्य 6 लड़कों ने दुष्कर्म, पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि छात्रा का मेडिकल टेस्ट कराया गया है और पूरे मामले की जाँच की जा रही है। झारखंड बिहार के युवाओं के पास बैंक में नौकरी हासिल करने का सुनहरा मौका, UBI में निकली बंपर वैकेंसी। बैंक में नौकरी हासिल करने की कोशिश कर रहे झारखंड बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलाइज्ड सेगमेंट में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। इसमें 347 पदों पर भर्ती की जाएगी। स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 अगस्त से शुरू हो गए थे। इनकी लास्ट डेट 3 सितंबर 2021 है। 6 जिलों में एक भी संक्रमित नहीं, 7 जिलों में महज 1-1। झारखंड में कोरोना का प्रकोप घटने के साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या भी कम गई है। राज्य में रविवार सुबह तक सिर्फ 142 सक्रिय मरीज है। 3 ही जिले में ऐसे हैं जहां सक्रिय मरीजों की संख्या 10 से अधिक है। इसमें रांची 80, धनबाद 14 और जामताड़ा 10 शामिल है। 6 जिले ऐसे हैं जहां एक भी कोरोना संक्रमित नहीं है। ऐसे जिलों में गढ़वा, गुमला, हजारीबाग, कोडरमा, पाकुड़ व पलामू शामिल है। इधर 7 जिले ऐसे हैं जहां सक्रिय मरीजों की संख्या 1-1 है। ऐसे जिलों में चतरा, देवघर, दुमका, गिरिडीह, साहिबगंज, सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम शामिल है। जज उत्तम आनंद केस में झारखंड हाई कोर्ट के सख्त निर्देश, आरोपियों को पर्याप्त सुरक्षा दें। झारखंड उच्च न्यायालय ने CBI को निर्देश दिया है कि वह धनबाद के न्यायाधीश उत्तम आनंद की संदिग्ध मौत के मामले में जुड़े दोनों आरोपियों, ऑटो चालक लखन वर्मा एवं राहुल वर्मा को पर्याप्त सुरक्षा दे, क्योंकि ये दोनों इस मामले की अहम कड़ी है। इसके साथ ही अदालत ने दोनों आरोपियों को झारखंड से बाहर हवाई मार्ग से ले जाने का सुझाव दिया, जिससे दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बाबा बैद्यनाथ मंदिर के लिए पंडो ने दी झारखंड सरकार को चेतावनी, आज मंदिर खोलने की घोषणा नहीं तो कल बंद रहेगा देवघर।
देवघर पंडा धर्म रक्षिणी सभा के महामंत्री कार्तिक नाथ ठाकुर ने शनिवार को सरकार को चेताते हुए कहा, अगर रविवार तक बाबा बैद्यनाथ मंदिर खोलने की घोषणा नहीं करती है तो सोमवार को देवघर बंद का आयोजन किया जाएगा। बंद में सभी संगठन के लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि एक दिवसीय बंद के बाद सरकार अगर उनकी बातों को अनसुना करती है तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। तो शनिवार को केसरबानी आश्रम में दुकानदार संघ और विभिन्न संगठनों के साथ बैठक कर रहे थे। महामंत्री ठाकुर का कहना था कि राज्य में कोरोना के मामले में कमी आई है, ऐसे में सरकार को चाहिए कि वे राज्य के सभी मंदिरों को खोल दें। संक्रमण की वजह के कारण पिछले 2 साल से मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह बंद है। इस कारण मंदिर पर आश्रित रहने वाले दुकानदार, पुरोहित, माली और भंडारी भुखमरी के लगातार पहुंच गए हैं। देश के विभिन्न स्थानों के तीर्थ स्थल पर बस परिचालन, रेल परिचालन, सिनेमा मॉल सहित विभिन्न धर्म के लोगों के लिए स्थल को खोल दिया गया है। गोड्डा के मेहरमा अस्पताल के डॉक्टर को मिली जान से मारने की धमकी, प्रभारी पर आरोप। मेहरमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को आवंटित वैक्सीन बिहार के कहलगांव ले जाकर देने के मामले में जिला प्रशासन की टीम जांच कर वापस लौट चुकी है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अस्पताल के डॉक्टर पंकज ने मेहरमा अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर अरविंद पर जान से मार के धमकी देने का आरोप लगाया है। इस बाबत डॉक्टर पंकज ने एक वीडियो क्लिप जारी किया है जिसमें अस्पताल प्रभारी गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर अरविंद वही के जिन पर मेहरमा स्वास्थ्य केंद्र की कोरोना वैक्सीन को बिहार ले जाने का आरोप लगा था। इंजीनियरिंग छात्रों ने बनाई सौर ऊर्जा संचालित ट्राई साइकिल। दुमका के इंजीनियरिंग कॉलेज के मैकेनिकल इंजीनियरिंग संकाय के छात्रों ने 8वें सेमेस्टर में दिव्यांगों के लिए मोटराइज्ड ट्राई साइकिल विकसित की है। यह सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली से नहीं बल्कि मैकेनिकल सिस्टम से भी चलेगी। इस ट्राई साइकिल में सौर ऊर्जा से बैटरी को चार्ज कर बिना किसी मैकेनिकल पावर लगाए हुए इसे 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है। इसे अधिकतम लगभग 22 से 23 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है। चार्ज खत्म होने के बाद इसको मैकेनिकल सिस्टम से चलाया जा सकता है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।